कभी नहीं समझते थे कि बच्चे, और जब वही बच्चे धोखा देते हैं तो बहुत दुख होता है। कैसा दुख पाऊ जी, दी को शादी के लिए आप ही ने परमिशन दी थी, दी बस वही कर रही थी जो कुछ चाह रहा था मेरे पास। उसकी करतूतें पूरी दुनिया के सामने दिख चुकी थी, क्या करता मैं जिंदगी भर उसे घर में ऐसे बैठे रहने देता। बोलो कौन करता उससे शादी, या तुझसे? सोचो गुंजन, अगर वो घर में बैठी रहती ना तो लोग उंगलियां उठाते। मेरी खुशी की तो छोड़ो, कम से कम वो तो इस शादी से खुश है ना। इससे ज्यादा मैं उसे और कुछ नहीं दे सकता हूं। बस गुंजन, जानता हूं गुंजन कि तू अपनी दी से बहुत प्यार करती है, लेकिन यहां बात तेरे बाबूजी की या तेरी बहन की नहीं है। बात है बिना इमोशनल हुए दिमाग से सोचकर ये समझने की कि क्या जो दिल कह रहा है वो सही है, या जो दिमाग कह रहा है उसे मोड़ दिया जाए, या जो दिमाग कह रहा है उसे मोड़ दिया जाए। तो फैसला तेरे हाथ में है गुंजन। नूपुर, तुम्हारे बाबूजी का नाराज होना गलत नहीं है। अब तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, लेकिन प्लीज तुम दोनों हिम्मत मत हारना, ओके? जी आंटी। मेरा मतलब है माँ। और हाँ मैं, तो पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम दोनों की पढ़ाई मैं फाइनेंस कर सकती हूँ। नहीं माँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है, इसे मैं ही पूरा करूँगा। हम दोनों पूरा करेंगे। और बाऊजी? बाऊजी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, वैसे भी गुंजन तो हमारे साथ है। अगर उसे हम पर विश्वास है तो एक न एक दिन बाऊजी को भी होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर ऐसी कोई भी मुश्किल आ जाए जिसे तुम लोग सॉल्व ना कर सको तो सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओगे, प्रॉमिस? हाँ। वो मैं गुंजन से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा। क्या बाबूजी को ये नहीं लगता कि इस वक्त नूपुर को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं की? सम्राट, मैं सिर्फ इन हालातों को बाबूजी की नज़र से देखने की कोशिश कर रही हूँ। उनको बहुत दुख पहुँचा है, उनके हिसाब से उनका नाम, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इन सब में दी की गलती है, पर क्या गुंजन, बाबूजी ने खुद मयंक और नूपुर को शादी करने की इजाजत दी थी। मुझे गलत मत समझो सम्राट, दी ने जो भी किया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पर सच सम्राट, बाबूजी के पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम ही सोचो उस वक्त जो हालात थे, बाबूजी और क्या करते। बाऊजी ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। दी? हाँ, वो तुम लोग बात कर रहे थे ना, तो तुम लोग कंटिन्यू करो। नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सम्राट से कह रही थी कि सब कुछ छोड़ो ना दी, बेकार की बात है। मुझे आज तक तेरी बात कभी बेकार लगी है।
से कह रही थी कि अब नुपुर, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच की बात है, थोड़ी पर्सनल होती है। क्या हमने तुमसे पूछा कि तुम्हारे और मयंक के बीच कल रात, तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे कि हमारे बीच क्या बातें हो रही थी? हाँ, अब तो शादी हो चुकी है, लेकिन एक जमाना था जब मुझसे बात करने के लिए कभी कोई इधर गिरता था तो कभी उधर गिरता था। अब भी गिरेगी। एक्स मिस मोरेना एंड नाउ मिसेस मुंबई, ट्राई कर लो। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। थैंक्स सम्राट। वेलकम। और किस लिए? सही वक्त पर हेल्प करने के लिए। वाह, सडनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं सम्राट नहीं, कोई सुपर हीरो। अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड के लिए कोई इतना नहीं करेगा तो क्या करेगा? पाउची ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। कुंजन ने ऐसा क्यों कहा? मतलब उसे ये लगता है कि पाउची सही है और मयंक और मैं गलत। नहीं नहीं, सोच रही हूँ। कुंजन मुझे समझती है, वो ऐसा नहीं सोच सकती। मैं भी पागल हूँ। मिस्टर प्रतिदेव, अगर आप इतने डिम लाइट में पढ़ाई करेंगे ना, तो आपकी नशीली आंखों में चश्मे के काले काले धब्बे पड़ जाएंगे, समझे? और अगर सिक्योरिटी गार्ड की बुरी नजर हम पर पड़ी ना, तो सारी रात सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। आओ, मेरी हेल्प करो। ये क्या है? धीरे बोलो। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने सुन लिया तो? ये मेरी सीवी और जॉब एप्लीकेशन पेपर्स है। मां भी फ्लाइट में होंगी। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि कल से मैं जॉब ढूंढूंगा। लेकिन तुम्हारा कॉलेज? ट्रांसफर लेटर का फैक्स आ गया है। एक आध दिन में एक्सेल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। बस उसके साथ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये आवाज कैसी है? ये सिक्योरिटी गार्ड होगा, कहीं वो रूम में ना आ जाए। ऊपर वाह, इतनी फिल्में देखने का कुछ तो फायदा हुआ। जैसे कभी डरा ना मत। कभी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मयंक के काम करो, तुम हीरो बन जाओ, नुपुर को अपना राज भी मिल जाएगा। और रियली बेंची, या तुम डोरो से कब से इंस्पायर होने लगे? दी, ये वो सर्टिफिकेट जो तुमने मंगाए,
तुम्हारी पढ़ाई, और जब पाऊजी को पता लगेगा मैं मैंने अपने सर्टिफिकेट्स मंगवाए, आज के बाद मैं भी जॉब करूंगी। दोनों मिलकर जॉब करें। एक मिनट नूपुर, अभी सिर्फ मुझे काम ढूंढने दो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम जॉब करना, अभी तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो। ओके मैंने सैंडविच ऑर्डर किए थे, लेके आती हूँ। अरे सुहानी जरा मेरे डोनट लेके आना प्लीज। सैंडविच लेने जाना था। हाय अधीराज। हाय मयंक, कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। थैंक्स अधीराज, और उस दिन हमें सपोर्ट करने के लिए एक और थैंक यू। मैं तुम दोनों को नहीं, तुम्हारे प्यार को सपोर्ट कर रहा था। प्यार क्या होता है ये मैं भी जानता हूं। एंड आई एम सॉरी कि उस दिन मैं कुछ और नहीं कर सका। आई नो कि इस सब में गलती मेरी भी थी, लेकिन मेरे डैड। इट्स ओके, लीव इट नाउ, जो हो गया वो हो गया। वेलकम टू द गैंग, कम जॉइन अस। थैंक्स दिया, बट अभी नहीं, फिर कभी। अभी मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तुम सब मयंक के लिए जॉब ढूंढ रहे हो राइट? मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। हाँ बोलो। मैं इस कॉलेज में एक स्टूडेंट हूँ और एक बास्केटबॉल कोच भी। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो तुम स्टूडेंट्स की कोई काउंसलिंग वगैरह क्यों नहीं कर लेते? हाँ मयंक, इससे तुम कॉलेज का कॉलेज में रहोगे और जॉब की बात भी बन जाएगी। तो फिर देर किस बात की? मुझे प्रैक्टिस सेशन के लिए जाना है, तब तक तुम प्रिंसेस से मिल के आओ अभी। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए बेंच, बाय गाइस, लेट्स गो। सुनिए, इधर तो क्या देख रहे हो, तुम्हें बुला रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए दही शक्कर तो है ही नहीं, क्या करूं? एक मिनट मयंका, सॉरी। ये लो, इसमें शक्कर भी है और क्रीम भी, चख लो, खाओ ना। हाँ। इससे प्रिंसिपल सर जल्दी मान जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अधीराज, चले? बिल्कुल, अब तो नौकरी पक्की है। मैं जाऊं? Girls, I tell you, और ये टीना, मेरे cheerleading gang, पता है गुंजन कि तुमसे कितनी jealous है? छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। Actually, you're right. कोई और बात करें? क्यों? क्या हुआ? बताओ ना दिया, टीना क्या कह रही थी? वो
खास नहीं है। वो एक्चुअली कह रही थी कि सैमी गुंजन को कैसे पसंद कर सकता है। बेसिकली वो कह रही थी कि तुम दोनों कितने डिफरेंट हो फिर भी एक साथ हो। तो क्या हो? ठीक ही तो कह रही थी टीना। व्हाट? हाँ दिया, टीना ठीक ही तो कह रही थी। बहुत बार मुझे भी लगता कि शायद मैं सम्राट के लायक नहीं हूँ। व्हाट रबिश कुंजन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना दिया कि लड़कियों पर सम्राट का क्या असर होता है। वो देखता है तो ऐसा लगता है कि उसकी नजरें तुमसे कभी ना हटे, बस देखता रहे। जब वो बोलता है तो मन करता है कि आंखें बंद करके बस उसकी बातें सुनते रहो। और जब वो हंसता है तो डर लगता है कि कहीं उसकी हंसी को किसी की नजर ना लग जाए। हर लड़की सम्राट जैसे लड़के को पाना चाहेगी और मैं मुरैना की सीधी सादी लड़की, मुझे कोई क्यों देखेगा? मुझ जैसी गर्लफ्रेंड कोई क्यों चाहेगा? गुंजन ऐसा मत कहो। आई नो, क्योंकि तुम इतनी स्वीट हो, इतनी हेल्पफुल हो और इतनी अच्छी हो। अच्छी मैं नहीं, तुम लोग। तुम लोग ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन अगर टीना की नजरों से देखूं तो सम्राट जैसे लड़के के साथ मुझ जैसी लड़की कभी फिट नहीं होती। सम्राट को कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन मुझे कोई क्यों चाहेगा? चश्मिश ऐसा सोचती है कि वो मेरे लायक नहीं? मैं चश्मिश को ऐसा सोचने ही नहीं दूंगा।